नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मास्टर जी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, ये है हमारा ज्योग्राफी की क्लास सिक्स्थ और चैप्टर नंबर एट, और पार्ट है दोस्तों सेकंड। पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा था भारत की जलवायु के बारे में, ठीक है। भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है, उष्णकटिबंधीय जलवायु है, मानसून क्या होता है, जलवायु क्या होता है, ये लास्ट लेक्चर में हम लोग अपना बात कर चुके थे। दोस्तों आज इस जो पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं वनस्पतियों के बारे में और वाइल्ड एनिमल्स के बारे में, कि भारत में, पूरे भारत में कौन कौन सी वनस्पति फैली हुई है और कौन कौन से वाइल्ड एनिमल्स है। चलिए स्टार्ट करते हैं वनस्पतियों से। दोस्तों देखिए, ध्यान रखना, भारत में मेनली या मेजर पांच तरह की वनस्पतियां पाई जाती है। वे कौन कौन से दोस्तों? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ठीक है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। सेकंड है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। ये उष्णकटिबंध क्या होता था, ट्रॉपिकल रीजन किसे कहते थे, ये हम लास्ट लेक्चर में बात कर चुके हैं। मैंने बताया था दोस्तों कि 20 यानी कर्क रेखा और मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकोन के बीच वाला जितना भी एरिया है उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान रखना कि ट्रॉपिकल रीजन में सदाबहार वन, ट्रॉपिकल रीजन में ही पतझड़ वन, ठीक है, डेसिडियस फॉरेस्ट। अब ये होते क्या है, और तीसरे जो भारत में पाई जाती है दोस्तों, कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती है। चौथे नंबर पे भारत में दोस्तों मैंग्रोव वन पाए जाते हैं और पर्वतीय वनस्पति पाई जाती है। तो भारत में मेनली पाँच तरह की क्या है दोस्तों, वनस्पतियाँ है, ठीक है। अब एक एक करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहला दोस्तों उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ठीक है, एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। यानी ये दोस्तों वे पेड़ होते हैं, ये वे फॉरेस्ट होते हैं जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वर्षा होती हो। ध्यान रखना, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ दोस्तों, जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या हो, रेनफॉल हो, वर्षा हो, तो वहाँ पे किस तरह के वृक्ष पाए जाएंगे आप लोगों को? सदाबहार वन पाए जाएंगे, एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाएंगे। सदाबहार वन उनको कहते हैं, उन पेड़ों को कहते हैं दोस्तों जो अपनी पत्तियाँ कभी भी नहीं गिराते, या ये इतने डेंस होते हैं, एक के बिल्कुल क्लोज होते हैं। जैसे कि ये पेड़ है, बिल्कुल एक के पास एक, बिल्कुल एक के पास एक, इतना ज्यादा डेंस फॉरेस्ट होता है इनका। जब भी ऊपर से सन की रेज आएंगी तो सन की रेज दोस्तों जमीन तक नहीं पहुंच पाती, जमीन तक नहीं पहुंच पाती। क्यों? क्योंकि एक तो ये बहुत ज्यादा नजदीक नजदीक फैले हुए होते हैं इसलिए, और ये अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं। तो दोस्तों उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की विशेषता मैंने क्या कहा, ये वन वहां पर पाए जाएंगे जहां पर रेनफॉल, वर्षा बहुत ज्यादा होती हो। दूसरा इनकी विशेषता क्या है दोस्तों, ये अपनी पत्तियां साल में अलग अलग समय में गिराते हैं, गिराते तो हैं लेकिन इतना ज़्यादा नहीं गिराते, ठीक है। तीसरा हमने पढ़ा कि सन की रेज उष्णकटिबंधीय जहाँ पे सदाबहार वन पाए जाते हैं वहाँ पे जो सन की रेज है वो जमीन तक नहीं पहुँच पाती, और दोस्तों जहाँ भी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं उस ऊंचाई में सबसे बड़े वृक्ष होते हैं। जितने भी हमारे वृक्ष है सबसे ऊंचाई में सबसे लंबे वृक्ष कौन से होते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन वाले वृक्ष होते हैं, ठीक है। और दोस्तों इसके जो वृक्ष है वो कौन कौन से, जैसे रोज वुड है, महोगनी है, आबनूस है, ये इनके पेड़ों के, ट्रीज के क्या है, कुछ नाम है, कुछ एग्जांपल्स है। अब दोस्तों भारत में बात कर लेते हैं, ये भारत है कि भारत में ऐसा कौन सा रीजन है जहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा होती है? तो दोस्तों ध्यान रखना, ये मैंने भारत बनाया है, ये भारत का पश्चिमी घाट है, वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न वाले रीजन में ये एक एक आप लोगों को नज़र आ रहा है ऊपर से लेके नीचे तक, और दूसरा यहाँ पर मेघालय वाले रीजन में। दोस्तों एक लिखा है, जहाँ मैंने एक लिखा, एक यानी ये रहा एक, दो लिखा है तो जहाँ भी दो फैला हुआ है वो उस वाला पेड़ है, तीन लिखा हुआ है तीन नंबर पे, चार लिखा चार, पांच लिखा है पांच, आप लोग समझ जाना कहाँ पे कौन सा वृक्ष फैले हुए हैं। तो दोस्तों भारत में एक तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, दूसरा यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। और दोस्तों ध्यान रखना कि आप लोगों से पूछा जाए कि विश्व की, ना केवल भारत की बल्कि वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा वर्षा वाला जो रीजन है वो दोस्तों मेघालय में, मेघालय में एक क्षेत्र है हमारा मानसिनराम, ठीक है, कौन सा है आप लोग कह सकते हो, मासिन राम क्षेत्र है, मासिन राम हमारा एक क्षेत्र है जहाँ पे विश्व की सबसे ज़्यादा क्या होती है, वर्षा, और जहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होगी वहाँ पे वृक्ष कौन से पाए जाएंगे, सदाबहार वन, ठीक है।
अब बात करते हैं दोस्तों सेकंड नंबर की, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन डेसिडियस फॉरेस्ट, यानी ट्रॉपिकल रीजन डेसिडियस फॉरेस्ट उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन कैसे होते हैं। देखो दोस्तों पतझड़ से ही क्या होता है, जो अपनी पत्तियां क्या करते हैं गिरा देते हैं। देखिए दोस्तों होता क्या है, गर्मी में क्या होता है, हवाएं जो होती है वो क्या करती है भाई, नीचे कुछ भी जल वाष्प मिलेंगे या वाटर वेपर्स मिलेगा, हर एक चीज़ से उसको अब एब्जॉर्ब करने की क्या करेगी, कोशिश करती है। ठीक है, जैसे क्या होता है, सर्दी से गर्मी आना स्टार्ट हो जाती है, सर्दी से गर्मी आना स्टार्ट होती है तो वृक्ष जो है अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। दोस्तों क्यों गिराते हैं, तो मैंने कहा गर्मी में क्या करते हैं, गर्मी में हवाएं क्या करती है भाई, पेड़ों से या किसी भी जगह से क्या करती है, जल वाष्प को खींचने की कोशिश करती है। और जब हमारे पेड़ होते हैं, जो पेड़ होते हैं, पेड़ों की पत्तियां होती हैं, पेड़ों की पत्तियों में दोस्तों जल वाष्प भरा रहता है, तो पेड़ क्या करते हैं भाई, जैसे ही गर्मी आना स्टार्ट होती है तो अपनी पत्तियां ही ऑलरेडी गिरा देते हैं ताकि हवा क्या कर सके, पेड़ों से जल वाष्प ना खींच सके और पेड़ों में जल वाष्प की मात्रा बनी रहे और पेड़ अपना निरंतर वृद्धि करते रहे। समझ आया? तो दोस्तों उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन कौन से, ऐसे वन जो अपनी गर्मी आते ही अपनी पत्तियां क्या कर देते हो, गिरा देते हो। जैसे फॉर एग्जांपल पीपल हो गया, पीपल का वृक्ष, नीम, शीशम, साल, सागौन, ये कुछ दोस्तों उदाहरण है। और दोस्तों ध्यान रखना, भारत में सबसे ज़्यादा जो वृक्ष पाए जाते हैं वो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। आप लोग देख सकते हैं नॉर्थ इंडिया से लेके बिल्कुल साउथ इंडिया तक पूरे भारत में लगभग कौन सा वृक्ष फैले हुए हैं, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों तीसरे नंबर पर कटीली झाड़ियाँ। ठीक है, कटीली झाड़ियाँ, कटीली झाड़ियों में एग्जांपल कौन कौन से आते हैं दोस्तों, जैसे कीकर हो गई, ठीक है, कैक्टस का पेड़ आप लोगों ने देखा होगा, बबूल है, खैर है, खैर यानी बेर जिस पे लगते हैं आप लोगों ने देखा होगा ना। तो दोस्तों कटीली झाड़ियाँ कहाँ पर उगती है, जहाँ पर दोस्तों बहुत ही शुष्क मौसम होता है, बहुत ही सूखा रीजन होता है। अब ध्यान रखना, सदाबहार वन कहाँ पे पाए जाती थे, एवरग्रीन, जहाँ पे वर्षा बहुत ज़्यादा होती हो, 200 सेंटीमीटर सालाना से भी ज़्यादा वर्षा क्या होती हो, वर्षा, जहाँ पे दोस्तों वर्षा क्या होती हो, कम होती हो, वहाँ पे कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, पतझड़ वन। जहाँ पे वर्षा बिल्कुल ही नामात्र की होती हो, बिल्कुल ही कम होती हो, वहाँ पर कैसी झाड़ियाँ मिलेंगी, कटीली झाड़ियाँ। क्यों दोस्तों, देखो जहाँ पर मैंने कहा बिल्कुल ही वर्षा नहीं होती, वहाँ पे कैसी कटीली झाड़ियाँ। अब आप लोग बताओ कि पेड़ों को जीवित रहने के लिए पानी तो चाहिए, उस रीजन में ऑलरेडी पानी नहीं है दोस्तों, क्योंकि वर्षा तो होती नहीं, तो पेड़ क्या करते हैं, पेड़ भाई गर्मी आते ही क्या करेगा, हवाएं तो क्या करेगी, पेड़ों से जल वाष्प खींचना शुरू कर देगी। अब यहाँ पर जो तीसरा नंबर वाला रीजन है, कटीली झाड़ियाँ कहाँ पर पाई जाती है, यहाँ पर पाई जाती है। दोस्तों होता क्या है, इस वाले रीजन में जो पेड़ होते हैं वो अपनी पत्तियों को कांटों में चेंज कर लेते हैं, कांटों के रूप में, क्यों, ताकि क्या कर सके, जो हवाएं हैं वो भाई पेड़ों से ह्यूमिडिटी को अवशोषित ना कर पाए। समझ आया, पेड़ों से अवशोषित ना कर पाए ह्यूमिडिटी, उससे बचने के लिए पेड़ खुद को खुद क्या कर लेते हैं, कांटों में चेंज कर लेते हैं। तो बस आप लोगों को ध्यान रखना है कि कटीली झाड़ियाँ कहाँ पर पाई जाती है, राजस्थान वाले इलाके। ठीक है, और इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है दोस्तों मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन क्या होते हैं दोस्तों, अब आप लोग बताओ कि ये जो जहाँ पे चार नंबर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, समुद्रों के किनारे ही दिखाई दे रहा है, वहाँ पे आप लोगों को कैसे फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं दोस्तों। मैंग्रोव जो वन होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, जहाँ पे नदियाँ क्या करती हैं, अपना डेल्टा बनाती है दोस्तों। नदियाँ समुद्र में जब गिरती हैं, नदियों का पानी कैसा होता है, मीठा पानी, और समुद्र का पानी कैसा होता है दोस्तों, खारा। तो ध्यान रखना, जहाँ पे खारा पानी और मीठे पानी के कॉम्बिनेशन से कुछ वृक्ष उगते हैं, वहाँ पर कुछ पेड़ उगते हैं, उन्हीं फॉरेस्ट को हम कैसे फॉरेस्ट कहते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट कहते हैं, मैंग्रोव वन कहा जाता है। ठीक है, मैंग्रोव फॉरेस्ट में दोस्तों किस किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, तो आप लोगों को मैं बता चुका हूं पहले भी कि सुंदरी प्रकार के वृक्ष, ये पेड़ों के नाम है, सुंदरी वृक्ष हो गया दोस्तों। ठीक है, मैंग्रोव भी एक वृक्ष का नाम ही है। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट में
कैसुरी ना, सुंदरी, मैंग्रोव, इस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। बस आप लोगों को ध्यान रखना मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पे पाए जाते हैं, जहाँ पे समुद्रों के किनारे खारा और मीठा पानी आपस में सबमर्ज हो जाए और वहाँ पे कुछ पेड़ उगाए, तो उन्हीं फॉरेस्ट को क्या कहते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों पर्वतीय वनस्पति, यानी पर्वतों के ऊपर बहुत ऊंचाई में, जहाँ पे दोस्तों बहुत ऊंचाई होती है पर्वतों पे, वहाँ पे मौसम बिल्कुल ठंडा होता है, और ठंड के मौसम में जो वनस्पति उगती है वो हमारे कौन कौन से पेड़ उगते हैं, मीन चीड़ का, देवदार का, पाइन का, आप लोग ने ट्रायंगल शेप में देखे होंगे ना वृक्ष दोस्तों, ऐसे कुछ। और यहाँ पे दिखा देते हैं आप लोगों को, इस प्रकार के जो वृक्ष होते हैं इन्हीं को हम देवदार वृक्ष कहते हैं, आप लोगों ने मे भी देखे होंगे दोस्तों। ठीक है, ये देवदार वृक्ष कैसे उगते हैं, कहाँ पे उगते हैं, ये पांच पांच नंबर आप लोगों को दिखाई दे रहा, यहाँ पे दोस्तों हिमालय फैला हुआ है, और हिमालय पर्वत पे ऊंचाई पे कौन से पर्वतों पे पाए जाने वाली वनस्पति, पर्वतीय वनस्पति चीड़, देवदार, पाइन, जहाँ पे बहुत कम टेम्परेचर हो वहाँ पे ये वृक्ष उगाए जाते हैं। तो दोस्तों भारत में ये मेन मेजर पाँच क्या थे, फॉरेस्ट थे, समझ आया। एक बार जल्दी से रिकॉल करते हैं, सदाबहार वन कहाँ पे पाए जाते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा होती हो, पतझड़ वन कहाँ पे, जहाँ पे थोड़ा सा कम वर्षा होती हो, और कटीली झाड़ियाँ जहाँ पे बिल्कुल ही ना मात्र की वर्षा होती हो, मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पे, समुद्रों के किनारे मीठा पानी और खारा पानी आपस में सम्मर्ज हो, पर्वतीय वनस्पति पर्वतों के ऊपर जहाँ पे टेम्परेचर ही बहुत क्या हो दोस्तों, कम हो। तो ये हमारे भारत में क्या पाए जाते हैं, कुछ ट्रीज पाए जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा टॉपिक हो गया वनस्पति का, भारत की वनस्पति। ठीक है, अब बात करते हैं भारत के वाइल्ड एनिमल्स दोस्तों, कि भारत में कौन कौन से मेजर वाइल्ड एनिमल्स पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, एक तो हमारा ये गुजरात वाला रीजन आप लोगों को दिखाई दे रहा है, छोटा सा पार्ट है ये वाइल्ड एनिमल्स, जल्दी से बता देते हैं आप लोगों को दोस्तों, यहाँ पे जंगली यानी वाइल्ड गधा एस, वाइल्ड एस कहाँ पे पाए जाते हैं दोस्तों, जंगली गधे कहाँ पे पाए जाते हैं, यहाँ पे गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में जंगली गधे पाए जाते हैं, वाइल्ड एस जिनको कहा जाता है। पर्वतों पे दोस्तों क्या पाए जाते हैं, यहाँ पे कुछ एंटीलोप बकरियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, कुछ बकरियाँ हैं दोस्तों, यहाँ पे सुअर है, ठीक है, वाइल्ड पिग जिसको कहा जाता है, ठीक है, और बाघ है हमारे, जंगली बाघ। तो दोस्तों यहाँ पे ये पर्वतों में हमारे मेन रूप से ये पाए जाते हैं। ठीक है, बात आती है एक हमारा नेशनल राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है दोस्तों, राष्ट्रीय पक्षी नेशनल बर्ड कौन सा है हमारा, पीकॉक है, मोर है दोस्तों, ध्यान रखना हमारा राष्ट्रीय पक्षी। ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, मोर है। और जब भी दोस्तों बात आए राष्ट्रीय पशु की, राष्ट्रीय पशु की, तो दोस्तों वो है हमारा बाघ, टाइगर। ठीक है, टाइगर और पीकॉक, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, हमारे पशु और पक्षी है नेशनल। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा चैप्टर नंबर 8, पार्ट 2 हमारा ख़त्म हो गया है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर में एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा, खुश रहिएगा, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, हैव ए नाइस टाइम।